गुरुग्राम में आए दिन किसी न किसी अधिकारी पर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन ये आरोप थोड़े से गंभीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि एक स्थानीय रेहड़ी वाले लोगों ने, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों ने GMDA के एक बहुत बड़े अधिकारी यानी एडिशनल CEO सुभाष यादव पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि वह उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा पुलिस के एक IG के ड्राइवर पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वह IG साहब का नाम लेकर के उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है। और इसके साथ ही सेक्टर 50 थाना के SHO के साथ ही उनके मुलाजिमों पर भी आरोप लगाया है कि कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है अभी तक। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, आप देखिएगा हमारे साथ यह खबर। हम उन लोगों के मुंह से आपको सुनवाएंगे उनकी आप बीती के किस तरह से वह परेशान है। PMO से लेकर CMO तक और स्थानीय स्तर पर वह सभी से गुहार लगा चुके, लेकिन उनकी सुनवाई किसी भी स्तर पर अभी तक नहीं हो पाई है और मजबूरन उन्हें यहाँ से अपना रेहड़ी पटरी जो है हटानी पड़ सकती है। आइए देखिए यह खबर हमारे साथ। पार्क हॉस्पिटल के सामने की यह खबर है और इसमें हम आपकी बात कराते हैं जनता के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अजय वैष्णव और आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया। आज हम आपको लेकर के आए सेक्टर 49 पार्क हॉस्पिटल के सामने। यहां वेंडिंग जोन है और इस वेंडिंग जोन में पिछले कुछ दिनों में सुनाई में आई है कि यहां पर कुछ लोगों ने उपद्रव करके इनको हटाने की कोशिश की है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे क्या मामला है, जिस पे प्रतिक्रिया ये देना चाहेंगे। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था यहाँ पे? 2018 से हम काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे कम से कम 18 से 20 रेहड़ियाँ लगी हुई थी, 18 से 20 वेंडर काम कर रहे थे जी। तो लॉकडाउन की वजह से उनको आर्थिक चोट पड़ी, धीरे धीरे और भी वेंडर बढ़े। 2020 से गवर्नमेंट का जो कानून है वो कहता है कि 2020 से जो भी जहाँ पे बैठा है जी, जो डिपार्टमेंट MCG डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे सर्वे करेगा। 2020 में होना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सर्वे नहीं हो पाया था, ठीक है ना, थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन 2020 के बाद में अब वो सर्वे करना था, ठीक है ना, सर्वे चल रहा है। वो जहाँ पे जो भी बैठा है 2020 से पहले उनके वहीं पे गवर्नमेंट, ये MCG जो डिपार्टमेंट है, LOR क्या हुआ था यहाँ पे कि आपको हटाया जा रहा था? कौन वो लोग थे जो हटाना चाहते थे यहाँ पे? हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे जी, ठीक है ना। उसके दौरान कुछ अवैध तरीके से रेहड़ियाँ लगाई हुई थी, अच्छा, ठीक है ना। बिल्डिंग मालिकों ने, एक एक बिल्डिंग मालिकों ने कई कई रेहड़ियाँ अपने घरों के सामने लगा रखी थी, ठीक है। वो हटाने की कार्रवाई थी MCG की, ठीक है ना। जो प्रॉपर रूप से जो काम कर रहे थे, ठीक है ना, जो लीगल रूप से काम कर रहे थे आप लोग, जिनके पास में स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस है, आप लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अवैध रेहड़ियां भी थी जो अपना यहाँ पे काम कर रही थी। हाँ हाँ, जो बिल्डिंग वालों ने दूसरी लोकेशन से उठा के यहाँ पे लगा रखी थी, ठीक है, जो रेंट पे दे रखी थी, ओके, उन पे रेंट पे दे रखी थी, उनके ऊपर कार्रवाई थी। जो लीगल तौर पे लगे हुए थे, जो तरीके से लगे हुए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी। जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे उनको MCG वालों ने बोला था, ठीक है ना, जो अधिकारियों ने, भी तुम जहाँ पे बैठे हो वहीं पे अपना काम करते रहो, ठीक है ना, हम तुम्हारे LOR जो है, जो प्रोसेस है लाइसेंस की, वो हम यहीं पे आके सर्वे के हिसाब से करके आपको दे के जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे MCG ऑफिस में जमा करवा दो। यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद? उस दौरान फिर कुछ बिल्डिंग मालिकों ने यहाँ पे तार बाड़ करवा दी, एक से पे तार फेंसिंग करवा दी। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, जो बाहर के थे वो धीरे धीरे डर को देख के इधर उधर चले गए, ठीक है। हम यहाँ पे अपने जहाँ पे काम कर रहे थे वहीं पे लगे रहे। फिर इस साइड में दो भागों में बटी हुई है, एक उस साइड में और एक इस साइड में जो फेंसिंग है, ठीक है ना। इस साइड में हम काम कर रहे थे तो ये लेट लगाई इन्होंने, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए थे। ये ना कि कोई प्रशासन की कार्रवाई थी, ये प्रशासन ने नहीं लगवाई है, ये बिल्डिंग मालिकों ने। उन लोगों का क्या नाम है जिन लोगों के ऊपर आप ये आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं? इसमें एक तो अमन आउट कपड़ा था, ठीक है ना, एक जो कुलवीर है IG का ड्राइवर बताता है अपना आपको, वो हमें और हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको धमकाता है बार बार, कहेंगे बार बार उसने धमकाया, इसलिए ये कहा कि मैं यहाँ पे नहीं लगने दूँगा, IG साहब का उठ रही है, ठीक है ना। मखा जी, IG साहब का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं, ये तो वेंडिंग जोन है, MCG का वेंडिंग जोन है ये तो। फिर उसके बाद में एक ही महिपाल, ठीक है ना, मैंने सिक्योरिटी कैमरा लगाया हुआ है देखो इसमें, ठीक है ना, मैं हमेशा यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई दारू पीने वाला, कोई गंद फैलाने वाला, पता नहीं किस किस टाइप के आदमी आते हैं खाने के लिए, उनके ऊपर किसी का सामान रह जाए तो उसमें अपने सिक्योरिटी के पर्पज से लगाता हूँ। कभी इसका तार हटा गए,
ठीक है ना, इसको बंद कर दिया, ये हरकतें करते हैं बार बार, और यहाँ पे आके बोलते हैं कि एक छुट्टी में तुम्हारी सारी रेहड़ियाँ हम उठवाएंगे, हमारे पास में पावर है। इसके आपने कहाँ पे कंप्लेंट दी थी? हमने स्टार्टिंग और इसमें क्या कोई और अधिकारी भी शामिल है इस पूरे जब 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 इनका बस नहीं चला तब इन्होंने एक GMDA के बड़े उच्च अधिकारी सुभाष चंद्र यादव जी IFS अधिकारी हैं, वो उनको अप्रोच करके बुलाया। वो यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने आदेश दिया कि इनको तोड़ो फोड़ो। उनके साथ कुछ गुंडे भी थे, ठीक है ना, बिल्डिंग मालिक भी थे। उन्होंने यहाँ पे सामान की तोड़ फोड़ मचाई, ठीक है ना। तोड़ फोड़ मचाने के बाद में यहाँ से सामान हमारा ट्रैक्टर में उठा के वो ले गए। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल की, हम थाने में गए। थाने में गए तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया पुलिस वालों ने, ठीक है ना। उन्होंने जो PCR आई थी, उन्होंने IO गजराज और गजराज का नाम दिया था कि गजराज जो बैठे हैं वहाँ पे IO, उनके पास आप जाके मिलो। उन्होंने जब हम उनसे बात करने लगे तो उन्होंने हमारा एक घंटा खराब किया, ठीक है ना। फिर उन्होंने वो उठ के वहाँ से चले गए। उसके बाद शमशेर को भेजा, शमशेर ने हमें एक बात में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आपने कंप्लेंट किन किन लोगों को दी थी ये और बताइए। MCG को दी थी, ठीक है ना। MCG अधिकारी उस टाइम पे थे नहीं, वो किसी कारणवश चंडीगढ़ गए हुए थे। उसके 3-4-5 दिन बाद आए, तब हमने उनको पूरी कंप्लेंट बताई वो, ठीक है ना। उस पर उन्होंने फिर कार्रवाई करना शुरू की। लेकिन थाने में जितने भी वो थे पुलिस वाले जिन्होंने हमने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने आज तक उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की। आप फिर मैंने इस जमीन पर मुझे ये बताएं कि जो फेंसिंग की गई थी वो सरकारी रूप से की गई थी या प्राइवेट की गई? नहीं, ये पर्सनली रूप से की गई है, सरकारी फेंसिंग नहीं। आप देखो इसका कोई वो क्या नाम है, टेंडर तो पास हुआ होगा इस पर। अगर यहाँ पे लगी है तो इसका कोई टेंडर पास हुआ होगा। जब कोई अधिकारी किसी के ऊपर कार्रवाई करने आता है तो उसके पास में नोटिस, सबसे पहले तो उनको नोटिस दिया जाता है अगले को, ठीक है, या फिर उसके पास में परमिशन हो तार बाड़ लगाने की। ना तो उसके पास में परमिशन थी, ना उन्होंने कोई हमें एक महीने पहले नोटिस दिया। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि जितने यहाँ पे वेंडर लगे हुए थे, यहाँ पे कम से कम 30 रेडियो की जगह है, जी 30 रेडियो की जगह है, आगे चल के 20 रेडियो की जगह है, ठीक है ना, जिसपे अवैध कब्जा ज़्यादातर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो अवैध कब्जा है, अवैध तार बाड़ है, इसको तत्काल हटवाया जाए, और जो 18 से 20 वेंडर यहाँ पे लगे हुए थे उनको दोबारा से यहाँ पे रिस्टोर किया जाए वहाँ पे दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे रवि दत्त जी जो बता रहे हैं अपनी आप बीती की क्या क्या हुआ था इनके साथ में और किस तरह से ये परेशान है। प्रशासन से सहयोग की उम्मीद में है, देखते हैं प्रशासन कितना इनको सहयोग करता है और इनके वेंडिंग जोन को कितना सुरक्षित रखता है यहाँ पर। आप हमारे साथ बने रहिए अजय भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। लग रही थी तो फिर बंद करवा दी इन्होंने तार लगा के, जी फिर हमने दोबारा शुरू कर दी। तो इन तीन भाइयों की लग गई और मेरे वहाँ तार फिनिशिंग थी तो मैंने हटाए, फिर हटाने के बाद उन्होंने अंदर लगने नहीं। किस चीज़ की रेहड़ी आप लगा देते? मैं छोले भटूरे की रेहड़ी लगा देते। आप अभी कहाँ लगा रहे हैं आप? अभी मेरी वो रेहड़ी बाहर ही खड़ी रही एक महीने तक, और फिर हम दोबारा ACP के पास गए। अच्छा, उन्होंने इनको बुलाया वहाँ पे, इनसे लिखित में लिया। अच्छा, और फिर मैंने दोबारा तार हटा के वापस दोबारा रेडी लगाई। तो अब उसकी वो तो नहीं आते हैं, लेकिन उसकी माँ बार बार आती है कि यहाँ तार वापस तू ऐसे क्रॉस में लगाओ। अच्छा, और तू इतनी जगह लेके क्या करेगा, और ये तार हमारे वापस लगा। इसके इस तार के जो पार्टी के साथ मैंने लोग लगा रखा है, तो लोग हटा बार बार हम मेरे को आके टॉर्चर करती है, और वो लेडीज है। कल को हमारे मेरे ऊपर कोई गलत इंटरेस्ट नहीं डाल सके, आरोप नहीं लगा सके। तो नारायण जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी लेडी सुरक्षित लगे, और हमारे जो भाई अभी बच रहे हैं उनकी दोबारा लगाई जा रही है, यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। क्या हुआ है? मुझे परेशानी ये थी कि जब ये हमें रेडी हटाई गई थी ना, विजयपाल सर आए थे और इन लोगों को बोल दिया तो किराए पे वो लोग चले जाओ। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मैं तो खुद काम कर रही हूँ और मैं तो खुद अपना लगत मेरे रोज TC से चलती है। तो बोले कि मैडम अगर आप सही हो ना तो आपके कागज बन जाएंगे, आप जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी अपना, ठीक है। काम करने के बाद में यहाँ पे IG का ड्राइवर है ना जो कुलवीर, वो बार बार मैं आके मेरे हस्बैंड को बोलता था तू यहाँ से हटा ले, IG की बिल्डिंग के सामने हम लोग लगने नहीं देंगे, अब तो किसी के कागज नहीं बनेंगे। जो IG है उनका नाम आप जानते हैं? उनका सौरभ, मुझे सौरभ बताते हैं उनका नाम, सौरभ। वो सौरभ बताते हैं आपको असली नाम नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं कि सौरभ सिंह नाम उनका, ठीक है। और वो अपने आपको IG
आईजी का ड्राइवर बताता है वो बार बार में आके बच्चों को कभी को, मैंने एक बार उससे बोला मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। बोले क्यों भाई, बात क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर खाना खाते थे ना, तभी आगे बोलता तुमने हटा ही नहीं है रेडी आके, अब तक हटा ही नहीं, क्योंकि उसने है ना ये रेंट के ऊपर दे दी, पहले ये लॉन्ड्री थी और उसके बाद में उन लोगों ने ये रेंट के ऊपर दे दी। आपके पास में वेंडिंग लोन का लाइसेंस है यहाँ का, सारी चीज़ें हमारे पास अब, उस टाइम पे हमारी प्रोसेसिंग में चल रही थी, उस टाइम पे हमारे पास था नहीं, हमें एमसीसी ने यही बोल रखा था कि आप काम करते रहो आपके कागज बन जाएंगे, ठीक है, ये लोग बार बार हमें वो, लेकिन अब कागज बनने के बाद में भी हम लोगों को इन लोगों ने तंग किया ना, तब का भी हम लोगों ने किराया दिया है एमसीसी को, ठीक है, हमने किराया भरा था, हमारे पास 500 रुपये महीना का किराए के बस, जब प्रोसेसिंग में था तब भी आप किराया देते, प्रोसेसिंग में था ना तब हमारे अब कागज बने ना तब हमसे उस टाइम का किराया लिया गया है, उससे लेके अभी तक का किराया आपसे हम लोगों ने अब तक का किराया भर दिया इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये लोग हमें तंग कर रहे थे बिना मतलब के। अभी हुआ था हमारा सामान, हमारी मैजे वैजे सब कुछ तोड़ दिया था, जो जीएमडी का जो अधिकारी आया था ना सुभाष चंद्र यादव जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं था, हम तो अपना काम कर रहे थे, उनको कोई हक नहीं बनता था, उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया हटाने के लिए, हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे अच्छे तरीके से, वो दो मिनट में आके रेडी वालों को ऐसे बोल के सारों ने गंदगी फैला रखी है फैला रखी, उनको बोलने का ये हक नहीं था, ठीक है, वो लोग वो ऐसा बोल के गए, इतने बड़े अधिकारी मुंह से ये सब अच्छे नहीं लगते, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सब तुम लोगों को बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो गलत बोले उन्होंने वो सब, ठीक है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो उस अधिकारी के साथ पीछे वाले मिले हुए ना इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं दो महीने से घर बैठी थी, पुलिस में मैं गई थी ना वहाँ पे, तो मेरी कंप्लेंट बोली कि आपके तो कागज नहीं बन रहे, मैं आपके आपकी कंप्लेंट कैसे लिखेंगे, हमारे तो साथी थे उमा शंकर उसके नाम से कंप्लेंट लगी थी, वो उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बाद में मैंने 3-4 जगह कंप्लेंट डाली, पीएम ऑफिस में, सीएम ऑफिस में, कई जगह डाली ना, तो पीएम ऑफिस की जो अब कंप्लेंट हमारी कार्रवाई आई हुई उसकी, उस पर हम सीएम वहाँ गए थे, एसीपी ऑफिस गए थे, हम थाने में गए थे, लेकिन सेक्टर 50 वालों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, और समझेर ने मुझे सीधा ये बोला कि आप कहीं भी रेडी वाले हो ना तुम लोग कहीं भी चले जाओ, तुम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सच में आज तक हमारी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, ठीक है। आपकी कौन सी वेंडिंग स्ट्रीट है यहाँ पे? आपको भी इसी तरह से यहाँ पे नहीं लगा, ये इसका मेरा लालपुर जाए यहाँ से 8 जाए। क्या नाम है आपका? मेरा मीना। तो देखा आपने किस तरह से एक आम इंसान को प्रशासन तो परेशान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन शायद इन लोगों के साथ में है अभी भी, लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जो मिली भगत करके आम इंसान के साथ में एक आम इंसान को ही परेशान कर रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये लोग इतना नहीं जानते कि किसको अपनी गुहार लगाएं, जो इनको दिखाई देता है उसी को ये गुहार लगाते हैं अपनी, और शायद वो सुनते हैं या नहीं सुनते इस बारे में तो आगे पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने जगह जगह अपनी कंप्लेंट दी हुई है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कार्रवाई किसके ऊपर होगी, इन लोगों के ऊपर होगी जिनका कोई कसूर नहीं है, या उनके ऊपर होगी जिनका कोई कसूर बनता भी है, अगर बनता है तो क्या कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे का हम आपको फिर से दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के बारे में हमने जब एडिशनल सीईओ जीएमडीएस सुभाष यादव जी से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और एक सिरे से इन सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह लोग कोर्ट के अंदर भी गए थे, स्थानीय कोर्ट के अंदर जाने पर स्थानीय कोर्ट से भी उन्हें राहत मिल चुकी है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं यह लोग। अब देखना यह है कि इन लोगों की कहाँ पर सुनवाई होती है, कौन इनकी बात सुनता है, और क्या ये यहाँ पर रह पाएंगे या नहीं, देखिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।